अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि कमीज़ की साइड पर जो प्लेट डालते हैं वो कैसे डालते हैं, और बहुत इजी मेथड से बताएंगे जो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले जितना कपड़ा है वो आपने मुकम्मल लेना है शर्ट का, उसकी कटिंग वगैरह नहीं करनी। इसकी जो दामन पर जितना कपड़ा घेर उसका होता है वो हम फुल लेते हैं, ठीक है, उसकी कटिंग नहीं करते। उसके बाद आपने क्या करना है, दरमियान में से आपने पकड़ना है इस तरह, और इसको आपने आयरन करना है। ये बहुत ज़रूरी है दरमियान से पकड़ के इस तरह बिल्कुल सीधा, इसकी अरेब वगैरह जो भी साइडों पर निकल जाए, और आपने इस तरह इसको आयरन करना है। ये देखिए जी, इस तरह आपने आयरन करके उसके बाद ये देखिए जी, मैं अभी आपको निशान लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा सेंटर हो गया। अब जी उसके बाद हमने क्या करना है, हमने छः इंच पर निशान लगाना है, ठीक है। ये देखिए जी, 6 इंच पर आपने निशान लगाना है, ऊपर से भी और इधर भी आपने 6 इंच पर निशान लगाना है। अच्छा, मैं इसकी लेंथ जो है वो मैं 14 इंच पर रखूँगी। आपने लेंथ इसकी अपनी कमर के मुताबिक रखनी है, जितनी आपकी फिटिंग की सिलाई लगती है, 14 इंच पर, 13 इंच पर, 16 इंच पर, उतनी आपने इसकी जो है लेंथ रखनी है, ठीक है। मैंने 14 इंच पर रखी है। उसके बाद आपने 1 इंच पर इधर निशान लगाना है। ये देखिए जी, 1 इंच जैसे हमारा फिंगर का एक पोटा होता है ना, ये हमारा 1 इंच का होता है। तो आपने इस तरह पकड़ के इसको, वो जो निशान हमने लगाया था 6 इंच का, वो अंदर हो जाएगा और 1 इंच की हम इधर प्लेट डाल देंगे। ठीक हो गया, समझ आ गया। और इसको हम पिन अप कर देंगे। प्लेट 1 इंच की होगी। इसी तरह हमने आगे फिर 1 इंच पर निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद आपने उसको इसी तरह इसके बिल्कुल साथ ही आपने प्लेट को डाल देना है। ये देखिए, इस तरह बिल्कुल 1 इंच पर इसी तरह हम करेंगे। मैं आपको बाद में इसका नाप लेके भी दिखा देती हूँ। इधर से क्लियर नज़र नहीं आ रहा, मैं अभी आपको दूसरी तरह दिखाती हूँ। ये 1-1 इंच की हमने 3 प्लेटें डाल दी हैं, ठीक है। शर्ट पर भी आप इसी तरह डालेंगे, फ्रॉक पर भी आप इसी तरह डालेंगे। ये देखिए जी, इधर से आपको अच्छे से नज़र आ रहा है। अब हम आपको दिखा देते हैं कि ये देखिए, ये भी पहली प्लेट भी हमारी 1 इंच की थी, ठीक है। ये दूसरी प्लेट भी हमारी 1 इंच की ही, और ये तीसरी भी, ठीक हो गया। और 14 इंच हम इसकी लेंथ रख रहे हैं। आपने अपनी फिटिंग के हिसाब से लेंथ रखनी है, जितनी आपकी कमर की लंबाई होगी उतनी आपने रखनी है। 16 इंच भी होती है, 15 इंच भी होती है। और इसी तरह ये देखें, इधर भी हम यही करेंगे, 6 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए जी, इस तरह, और इस तरह हम प्लेट को पकड़ेंगे और इसको पिन लगा देंगे। आपने अच्छे से आयरन करना है, आयरन करने के बाद आपने इसको पिन लगाना है, ठीक है। ये देखिए जी, इस तरह फिर हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरह, ठीक है। इसी तरह आपने 1 इंच पर निशान लगाना है और इसको इस तरह आपने अंदर की तरफ करना है। अच्छे से आपने देखना है, इसका जो अंदर का किनारा है ये ऊपर वाली जो हमारी प्लेट है उसके साथ बिल्कुल होना चाहिए। ये देखें, ठीक हो गया। ये देखें, इसी तरह फिर आपने 1 इंच पर निशान लगा के 1 इंच तक आपने अंदर करना है, और बिल्कुल एक जैसा आपका ये तीनों प्लेटें आनी चाहिए। ये देखें इस तरह, और फिर आपने ऊपर से इसको कर देना आयरन और पिन लगा देनी है, ठीक है। हम इसको सिलाई लगा कर भी दिखाते हैं कि सिलाई किस तरह लगानी है। बहुत आसान मेथड से बता रही हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, ये बैक साइड है, बैक साइड की तरफ हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे, तकरीबन 3.5 इंच पर आपने निशान लगाना है। उसके बाद हमने फिर जो है वो 2 इंच पर निशान लगाना है, और इधर से हमने इस तरह इसको, ये देखिए जी, जो हमने 2 इंच पर निशान लगाया था उसको हम इस तरह पकड़ेंगे और आपने आयरन कर लेना है, ठीक है।
हम इसको गुम सिलाई लगाएंगे, जो हम बच्चियों की फ्रॉक के ऊपर हम प्लेट्स डालते हैं, हम वो वाली प्लेट्स इधर डालेंगे। ठीक है, ये उल्टी साइड की तरफ प्लेट होगी, ये देखिए इस तरह, और इधर हम सिलाई लगा देंगे। ठीक है, उल्टी साइड की तरफ, और ये बाद में इस तरह ऊपर की तरफ उल्टी साइड की तरफ नज़र आएंगी, सीधी साइड की तरफ ये नज़र नहीं आएंगी। अब ये देखें, इस तरह आपने ये जो नीचे कपड़ा है उसके ऊपर सिलाई आनी चाहिए, जो हमने अंदर की तरफ कपड़ा किया है ये उसके ऊपर है। ठीक है, ये नहीं कि हम सिलाई लगा दें और नीचे से कपड़ा जो है वो बाहर निकल जाए, और जो हमने 14 इंच पर निशान लगाया था उधर आपने जाके इसको पक्का कर देना है। ये देखिए जी इस तरह। ठीक है, दूसरी साइड पे भी, दूसरा जो हम प्लेट के ऊपर सिलाई लगाएंगे वो भी इसी तरह होगी। ये देखिए, जो नीचे हमने अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड किया है उसके ऊपर आपका जो है वो सिलाई आनी चाहिए। ये देखिए, तो वो बिल्कुल साथ होना चाहिए, ये नहीं कि उसका 2-3 सूत्र का गैप आए, गैप नहीं आना चाहिए। ये जो ऊपर वाली प्लेट की नोक का कपड़ा है वो सिलाई के साथ आना चाहिए। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ जी, ये देखें, इसी तरह हम दूसरी साइड पर भी सिलाइयाँ लगा देंगे। तो मैं आपको बैक साइड पर भी सिलाइयाँ लगा कर दिखाती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। और फिर मैं आपको इसकी कटिंग भी बताऊंगी, और मैं ये भी आपको बताऊंगी कि जो कहते हैं, मतलब कि अक्सर मुझे कमेंट आता है कि ये जो है ना, इसका कटिंग करते हुए इसकी प्लेटें कट जाती हैं, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगी। अब ये हमारी बैक साइड है। हाँ जी, ये देखिए, बैक साइड को हमने इस तरह करना है फोल्ड। और ये देखिए, ये जो हमने निशान लगाया था 1.5 इंच का हमने इधर जो है इसकी प्लेट डालनी है, 3.5 इंच पर निशान लगाना है, उसके बाद 1.5 इंच पर आपने निशान लगाना है। ठीक है, और इसको भी हमने 14 इंच पर पक्का कर देना है, इसकी लेंथ भी 14 इंच ही होगी। ये देखिए, दूसरी प्लेट भी इसी तरह होगी। ये बिल्कुल जो हम अपना बैक साइड का नेक बनाएंगे उसके 7 प्लेटें बनेंगी। ठीक है, 3 इंच का हमारा नेक होगा, आधा इंच जो है वो हमारा साइडों पर चला जाएगा, तकरीबन 2-2 सूत्र, आधा इंच नहीं, 2-2 सूत्र। अगर आप आधा इंच करना चाहते हैं तो आप 4 इंच पर इसको जो है वो निशान लगाएंगे, और उसके बाद आप 1.5 इंच पर निशान लगा देंगे। ये देखिए जी इस तरह, ठीक हो गया, ये हमारी इस तरह प्लेट बनेगी। अब हम कटिंग बताते हैं। ये देखिए जी, इस तरह हमारा जो है वो तकरीबन 7 इंच तक था, तो ये हम इस तरह इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करते हुए ये देखिए जी, कहते हैं प्लेटें आपकी कटेंगी हर सूरत पर कटेंगी, जिसका बहुत बड़ा तीरा होगा उसकी नहीं कटेंगी, वरना आपकी एक प्लेट ज़रूर कटती है, वो स्टिचिंग में आती है। अगर कटिंग में ना आए तो वो स्टिचिंग में लाजमी आएगी। ये देखिए जी इस तरह, इसकी टेंशन नहीं लेनी आपने, तो ये ऊपर से इसी तरह होता है। ये देखिए इस तरह हमारी कटिंग हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।